Hey guys, welcome back to Gadgets Infinity. दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है और जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसी तरह से पब्लिक के लिए सुकून वाली चीजें भी बढ़ती जा रही हैं और आए दिन लग्जरी कारें मार्केट में लॉन्च हो रही हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी कमाल की कारों के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत शानदार हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नंबर 10, फेराडे फ्यूचर FF01। फेराडे कंपनी जो कि अपनी स्टाइलिश कारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसने फ्यूल पर चलने वाली काफी सारी पावरफुल कारें बनाई हैं, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए इस इलेक्ट्रिक कार को भी बनाया है जो कि बेहद खूबसूरत है और इसमें कई सारे डिजिटल फीचर दिए हुए हैं जो कि किसी नॉर्मल कार में या फिर मैकेनिज्म वाली कार में देखने को नहीं मिलते हैं। जिन सीटों पर हम कार में बैठते हैं उसके नीचे कभी आपने बैटरी लगी हुई नहीं देखी होगी, लेकिन इस कार के नीचे बहुत सारी और अच्छा खासा पावर जनरेट करने वाली बैटरी लगी हुई है और इसका इलेक्ट्रिक इंजन भी काफी मजबूत है। और वैसे तो कोई भी इलेक्ट्रिक कार इतनी तेज नहीं चलती, लेकिन ये इलेक्ट्रिक कार काफी तेज भगती है। इसको चलाने वाले ड्राइवर को आने वाले रोड का पूरा मैप और जानकारी पहले से मिल जाती है और इतना ही नहीं, इसमें आने वाली रुकावट से या पहले ही आपको सचेत कर देती है जिससे आपकी ड्राइविंग स्मूथ तो हो जाती है और सेफ भी हो जाती है। नंबर 9, BMW मोटरहेड विजन नेक्स्ट 100। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर यह कार निर्माता कंपनी अपनी कारों को तो निकाल ही चुकी है, साथ में इस हाईटेक बाइक को भी फ्यूचर के लिए निकाला गया है, जिसकी जेड ब्लैक ट्रायंगुलर फ्रेम किसी भी रोड पर चलने वाली बाइक से बहुत ही ज्यादा अलग दिखती है और ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक पैंथर रोड पर दौड़ लगा रहा है। और एवेंजर्स का ब्लैक पैंथर तो आपने देखा ही है ना, कितना फास्ट और सही तरीके से काम करता है। इस बाइक के साथ आपको हेलमेट नहीं स्मार्ट ग्लासेस दिए गए जिससे आपकी बाइक जहाँ चल रही है उसके आगे का रास्ता कितना शेष है और आपके लिए कितना सेफ है ये आपको पता अपनी आंखों पर ही चल जाएगा। तो अगर आप बाइक की स्टैंडर्ड राइडिंग को पसंद करते हैं तो इस बाइक का नाम अभी से आप लिख कर रख लीजिए। इसको चलाने वाले के लिए खास तरह की क्लॉथिंग भी दी गई है जिससे इसकी राइडिंग में आपको और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। नंबर 8, 2017 यामाहा मोटोरोइड। टार्जन द वंडर कार तो आपने मूवी देखी है और शायद बहुत ज्यादा पसंद भी की है क्योंकि यह अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लेती है। ये तो हुई कार की बात, क्या आप भी ऐसी बाइक चलाना चाहते हैं जो खुद को सेल्फ कंट्रोल कर ले? तो ये बाइक वैसी बाइक है जो आपके हाथ के इशारे पर चलती है और खुद को आपके पास ले आती है आपके सिर्फ एक इशारे से, यानी कि अगर आपको बाइक के पास उठकर नहीं जाना है तो यह खुद को आपके पास ले आएगी। यह अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है और बाइक राइडिंग करते हुए भी इसके टायर आपको राइडिंग करते हुए काफी बैलेंस फील कराते हैं। तो अगर फ्यूचर में बाइक राइडिंग कठिन भी हो जाती है तो भी यह बाइक आपकी राइडिंग का मजा खराब नहीं होने देगी और खुद को सेल्फ कंट्रोल करेगी। और इसके पीछे भी बाइक राइडिंग करते हुए हेल्पिंग डिवाइस लगा हुआ है जो कि घूमकर आपकी कमर पर लग जाता है जिससे कि आप और भी ज्यादा बैलेंस फील करते हैं। और बाइक को चलाने के लिए इसका हैंडल भी काफी यूनिक है और बिल्कुल नई डिजाइन का है। नंबर 7, रेनॉल्ट ट्रेजर। कई बार एक्सचेंज में आपने सुना होगा कि ड्राइवर की नींद लगने की वजह से एक्सचेंज हो गया, लेकिन अगर आप इस कार में बैठे और आपके ड्राइवर की नींद लग जाती है तो भी आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कार बिना ड्राइवर के भी आराम से चलती है और खुद को सेफ रखती है और आपको भी सेफ रखती है। साथ में यह दिखने में काफी खूबसूरत है और लग्जरी है। इसके डिजाइन को एरोडायनेमिक बनाया गया है और इसके बोनट का डिजाइन भी बहुत ही शानदार और आइकॉनिक है। ये कार इलेक्ट्रिक कार है और इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रिक फीचर दिए हुए हैं। यह अगर आप सो भी जाएं तो आपको यह नहीं लगेगा कि आप किसी कार में बैठे हुए हैं क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ राइडिंग प्रोवाइड करती है। और जिस तरह से इसका लुक शानदार है, इसके ओपन होने का अंदाज भी काफी निराला है क्योंकि इसके गेट ओपन नहीं होते, इसकी रूफ ओपन होती है और खुलने के बाद आपको एक नई कार का और एक नई टेक्नोलॉजी का एहसास होता है क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा लाइफ को इजी करने वाली है। नंबर 6, कावासाकी न्यू हाइट। जैपनीज बाइक बनाने वाली कंपनी जो कि बाइक को रफ्तार देने वाली कंपनियों में बहुत ज्यादा आगे है और जिसने कई सारी रेस भी जीती हैं, इस कंपनी में भी फ्यूचर के लिए एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव और दूसरी बाइकों से बिल्कुल अलग हटके और नए कॉन्सेप्ट पर बाइक बनाई है जिसके दो नहीं चार टायर हैं। अब आप सोचेंगे चार टायर तो कार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चार टायर वाली बाइक में भी दो मोड हैं, एक ग्रेट मोड जिससे इसके चारों टायर एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर होते हैं और आप आराम से बैठकर बाइक राइड कर सकते हैं
और दूसरा मोड अटैक मोड, जिसमें आप बाइक की स्पीड को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाकर इन टायरों को पास पास लाकर बहुत तेज जा सकते हैं। ये अपने रोड का डिटेक्शन करके रोड के बारे में ड्राइवर को जानकारी देती है, और अगर आपकी बाइक बहुत ज्यादा स्पीड में तो यह सेफ्टी के लिए भी आपको नोटिफिकेशन देती है। तो चलते हुए रोड पर किसी रोबोट की तरह अपने आकार को बदल लेने वाली यह बाइक बेहद ही नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और बहुत ज्यादा हाईटेक है। नंबर 5, मर्सिडीज मेबाक 6। यह कार अल्ट्रा स्टाइलिश लग्जरी कार है, जो कि काफी सारी लग्जरी कारों से भी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती है, और किसी भी लग्जरी कार से इसका बोनट अच्छा खासा लंबा है। यह लग्जरी कार 2 सीटर कार है, यानी कि अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट कार है, क्योंकि एक सीट पर तो आप ड्राइव करेंगे और एक सीट पे आप जिसको इम्प्रेस करना चाहते हैं उसे आराम से बिठा सकते हैं। साथ में इसका इंटरनल लुक भी बहुत खूबसूरत है और यूनिक है। इसकी लाइटिंग काफी अलग की गई है, तो अगर आपको पूरी तरह बंद कार पसंद नहीं है तो आपकी कार की छत इसमें गायब भी हो जाएगी, और अगर बारिश वगैरह आती है तो यह लग भी जाएगी। और अगर रोड पर इस लग्जरी कार को आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए निकालते हैं तो फिर उसका इम्प्रेस होना बिल्कुल तय है। नंबर 4, SRT टोमाहॉक। रेसिंग कार और स्पोर्ट्स कार जो कि तेज चलने के लिए तो बनाई जाती हैं, और कई बार तो कई सारे स्टिकर लगाने के बाद और स्पीड के फीचर बढ़ाने के चक्कर में कार की खूबसूरती खत्म हो जाती है, तो उसकी खूबसूरती को फिर से बढ़ाने के लिए उसमें दूसरी चीजें लगाना पड़ती हैं। लेकिन ये एक रफ्तार वाली होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, जिसके साथ आप बहुत ही स्पीड से और बहुत लंबी और बड़ी बड़ी हाई स्पीड रेस कर सकते हैं, और जितनी कार के रहेंगी ये उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले हो सकती है, क्योंकि इसके बॉडी पार्ट भी बिल्कुल स्लिम लाइन डिजाइन वाले बनाए गए। लेकिन इसके टायर पर डायरेक्ट एयर नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी बॉडी फ्रेम इसके टायर पर एयर पड़ने नहीं देती। यह काफी स्पीड से दौड़ती है, वो बढ़ते बढ़ते इसकी स्पीड 371 mph तक पहुंच जाती है, और इसका परफॉर्मेंस एयर प्रेशर जरा भी खराब नहीं करता, और यह फ्यूचर के लिए बनाई गई है। इसके बॉडी पार्ट मेटल ब्लॉक के बनाए गए, जो कि बहुत मजबूत है, और ये आपको 2035 तक मार्केट में दिख सकती है। नंबर 3, LM8427 लाजेरत। ये एक मोटरसाइकिल है, एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसके 4 टायर हैं, लेकिन ये दो दो करके एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, और इसके सामने महंगी से महंगी लग्जरी स्पोर्ट्स बाइक या फिर स्टाइल वाली बाइक फीकी लगती है। इसको चलाने के लिए आपको भी बाइक राइडिंग का जरूर शौक होना चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छा साउंड प्रोवाइड करती है, और इसका इंजन काफी ज्यादा पावरफुल है, और इस बाइक को चलाने के लिए अच्छी खासी स्पीड भी प्रोवाइड करता है, और ये बाइक कुछ ही सेकंड में 0 to 100 mph की स्पीड पकड़ सकती है, और इसके 4 टायरों को चलाने के लिए भी इसमें 2 चेन लगी हुई हैं, जो कि इन चारों को घुमाने के लिए काफी हैं। तो अगर आप फ्यूचर के साथ बने रहना चाहते हैं और स्पीड के साथ भी, तो आने वाली यह बाइक आपके लिए बहुत सही रहेगी। ये दिखने में काफी कूल लुक वाली है, और इसका लाइटिंग सिस्टम जो कि आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है, लेकिन आगे की तरफ बहुत ही ज्यादा कूल लगता है और इसकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। नंबर 2, होंडा राइडिंग असिस्ट। हमारे इंडिया में चलने वाली बाइक कंपनियों में काफी ज्यादा नाम करने वाली कंपनी होंडा है। दोस्तों, बाइसिकल को या फिर किसी भी मोटरसाइकिल को हम कहीं ले जाते हैं तो सबसे पहले तो उसकी पार्किंग की दिक्कत आती है, और फिर हम उसे पार्किंग में खड़ा कर देते हैं तो हल्का सा साइड स्टैंड हिल जाता है, या फिर उस पर कोई थोड़ा सा भी लोड दे देता है तो वो गिर जाती है, और फिर बाइक के गिरने में जो नुकसान होता है उसके बाद तो घर वाले काफी सुनाते हैं। तो पेश है आपके सामने ये बाइक, क्योंकि ये बाइक खुद को गिरने नहीं देगी, अपने आप को संभाल लेगी। ये सेल्फ कंट्रोल बाइक है, और पार्किंग में खड़े हुए अगर आपकी बाइक काफी दूर खड़ी है और आपको जाने में थोड़ी सी भी आलस आ रही है, तब ये बाइक आपके पास खुद चलकर आ जाएगी, यानी कि ये आपकी इतनी बात भी सुनती है, आपकी जगह पर बैठे बैठे आपका काम भी कर देती है, खुद ही आपके पास आ जाती है। तो फ्यूचर में आप अपना काम निपटाते हुए अपनी बाइक को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो वो भी चुटके बजाते हो जाएगा। नंबर 1, रेनॉल्ट इजी अल्टिमो। किसी खूबसूरत होटल में जाने के लिए हम अपनी कार को निकालते हैं और वहां तक जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये कार है फिर इसके बाद आप कोई भी खूबसूरत प्लेस नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही इस कार में बैठेंगे तो आपको इसके इंटीरियर की खूबसूरती के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इंटीरियर में वुड का इस्तेमाल हुआ है, लेदर की चीरें लगी हुई हैं, और मार्बल से भी इसके इंटीरियर को बनाया गया है, और कार के सफर को इजी और कंफर्टेबल काफी सुकून वाला बनाने के लिए इसकी सीटें चारों तरफ रोटेट होती हैं। इसके साथ आप अपने पार्टनर के साथ आराम से डेट या फिर मीटिंग कर सकते हैं। ये किसी लग्जरी होटल से जरा भी कम नहीं है, और इसके ओपन होने का अंदाज भी काफी निराला है।
और बाहर से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है, और ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत मछली आपको लेने आई है। यह कार इलेक्ट्रिक कार है और उसके लिए किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, यह खुद ही अपने आप को चला लेती है और आपसे कनेक्ट हो जाती है। फ्यूचर में इसका डिजाइन कम्फर्टेबल को बहुत ही हाई लेवल पर ले जाने वाला है और कार के सफर को घर में रहने जैसा या फिर उससे भी अच्छा कर देने वाला है। तो अगर आप लग्जरी सफर के साथ लग्जरी मुलाकात भी चाहते हैं तो इस कार के साथ आप जरूर कर सकते हैं। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।